नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले एक महीने के अंदर ना करीबन 5 से 7-8 आई गेस मैंने जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कोर्सेज होते हैं वो मैंने कर लिए हैं। और ये कोर्सेज करने के बाद ना मुझे मतलब इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। ये जो ट्रेनर्स हैं, जो सो कॉल्ड ट्रेनर्स हैं, ऑनलाइन अपना कोर्स सेल करते हैं। अगर आप भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में हैं तो आप लोगों के फेसबुक फीड में या इंस्टाग्राम फीड में कभी ना कभी ये कोर्सेज करते हुए आए होंगे। कोई किसी का टेस्टिमोनी दिखा रहा होगा कि मैं गांव में था, मैंने यहाँ से हर महीने अब 3 कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। कोई दिखा रहा होगा कि हाउसवाइफ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो इस तरह के एड्स आपने देखे होंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपने ये कोर्सेज़ किए भी होंगे। तो हाँ, आप लोगों की तरह मैंने भी ये कोर्सेज़ करे, मैंने भी देखने की कोशिश करी कि ये जो ट्रेनर्स हैं ये लोग एक्चुअल में सिखाते हैं क्या है और क्या ऐसा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जो ये लोग यूट्यूब पर नहीं प्रोवाइड कर सकते फ्री में। सो इन कोर्सेज़ में होता क्या, मेरे को सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये लगी कि एक तो ये आप लोगों को बोलने नहीं देते, बीच में जब लास्ट में बोलने भी देते, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं और इन लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल कि मेरे को ये कौन सा शिपिंग बिल होगा, कौन सा HS कोड में होगा, तो वो लोग ये बोल के टाल देते हैं कि जो आपका फॉरवर्डर है, आपका CH है, वो बताएगा। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि मेरे को इस कंट्री में भेजना है तो वहाँ की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो आप उनका आंसर होता है कि वो आपका CH फॉरवर्डर बता देगा। जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन आंसर का राउंड करते हैं। लास्ट में सिर्फ 15 मिनट के अंदर 100 लोगों को निपटा देते हैं लोग क्वेश्चन आंसर में। और कुछ कोर्सेज तो ऐसे रहे हैं जिसमें कि उन्होंने ये तक नहीं बताया कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कुछ कोर्सेज करने के बाद कि क्या बताऊँ। इन लोगों का ये जो 250 से लेके 1000 रुपये तक का वेबिनार होता है, इनका एक ही मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड लेके आए। उन लोगों को एक थोड़ा बहुत पुरानी उनकी कोई पता नहीं कुछ, अब उन्होंने कुछ लोगों को ट्रेन किया होता है कि कुछ लोगों को सिखा के लेके आते हैं कि कोई बंदा 10 कंटेनर कर रहा है, कोई बंदा 12 कंटेनर कर रहा है, कोई बंदा 30 कंटेनर्स कर रहा है मंथली। और बहुत छोटे छोटे शहरों से, गाँव से ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल बना के पूरी वीडियो में आप लोगों को, पूरे वेबिनार में सिर्फ वो दिखाया जाता है, आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है। और जो है आपका क्या कहते हैं कोर्स के एंड में वो लोग अपना जो मेजर कोर्स होता है जो कि साल भर का, वो कहते हैं कि साल भर का हम आपको सपोर्ट देंगे, साल भर के अंदर आपको हम एक्सपोर्टर बना देंगे, आपका हमारा ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा। आपका जो है 14 से 15 हज़ार रुपये का कोर्स है या 20 हज़ार रुपये का कोर्स है या 25 हज़ार रुपये का कोर्स है, आप ये ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे। इनका पूरा मोटिव, ये जो सस्ते वाले कोर्सेज हैं, सस्ते वाले वेबिनार हैं, इनका यही मोटिव रहता है कि ये लोग लेके आते हैं और फिर बाद में जो अपने मेन कोर्स की तरफ लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं। एक कोर्स तो मैं ऐसा बताऊं विद रिस्पेक्ट, उन्होंने पूरे कोर्स में ये तक नहीं बताया कि स्टार्ट करना है, क्या करना है, क्यों करना है, मतलब डॉक्यूमेंट्स तक नहीं बताया कि IC कोड क्या होता है, कमर्शियल इन्वॉइस क्या होती है, पैकिंग लिस्ट क्या होता है, या किसी भी तरह का कुछ एक टेक्निकल वर्ड तक नहीं उन्होंने पूरे कोर्स में बताया। पूरे कोर्स में उन्होंने इतनी ज़्यादा मेरा 2.5 घंटा उन्होंने वेस्ट किया। उस दिन मैं संडे वाले दिन, मैं पूरे हफ्ते काम करता हूँ और संडे वाले दिन मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि बाहर चला जाऊँ, वो मैंने सोचा कि चलो उस दिन वो कर लेते हैं। 2.5 घंटा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। एरिस्टोटल का कोई कोट सुना दिया, कोई वीडियो दिखा दिया मोटिवेशन के ऊपर, मोटिवेशन करके, और लास्ट में उन्होंने तो लोगों को पकड़ पकड़ के अपने जो मेजर कोर्सेज हैं उसमें पैसे उनको भरवाए। सो इस लेवल का ये ट्रेनिंग सेल कर रहे हैं और इस लेवल की ये लोग सेल्स कर रहे हैं ऑनलाइन। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट कोर्स देने की कोशिश करूँगा, फ्री में है। मेरी तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितना एक वीडियो के अंदर कवर कर सकते हैं, बहुत टेक्निकल नहीं जाऊँगा, बट इतना समझा दूंगा कि जो है स्पोर्ट बिजनेस करना बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये तो पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है, किस तरीके से बायर मिलेगा, किस तरीके से नेगोशिएशन करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए आप लोगों को एक तो अपना फॉर्म रजिस्टर करने की जरूरत है, बी इट पार्टनरशिप, बी इट प्रोपराइटरशिप, बी इट LLP, बी इट प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी फर्म हो, कोई किसी को किसी तरह का कुछ एडवांटेज नहीं मिलता एक्सपोर्ट में, सबको सेम तरह से ट्रीट किया जाता है। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद अपना GST लेंगे, उसके बाद अपना IT लेंगे, उसके बाद अगर आपने कंपनी खोला है तो आई अज्यूम कि आप लोग जो है करंट अकाउंट भी लेने वाले हैं, क्योंकि आप जब बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके लिए आपको करंट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये 4 चीज़ आप लोगों को लगने वाली है अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए। कोई RCMC भी नहीं चाहिए, कोई फलाना दूसरा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई फाइटोसैनिटरी, कोई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कुछ नहीं चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे खुद के क्लाइंट हैं जो इन 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ अभी तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब पिछले 1.5-2 साल से मैं हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स की बात करता हूँ। हमारे मुरादाबाद में काफ़ी, मतलब दिल्ली के पास जो मुरादाबाद है वहाँ पे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स हैं जिनका काम मैं पीछे करता था, और सबके पास कुछ भी नहीं था। उन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि रॉड टेप और ड्रॉबैक क्या होता है। वो हैंडीक्राफ्ट में क्योंकि तो मुनाफा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ GST और IC के दम पे अपना एक्सपोर्ट अभी भी करें। ना उन्होंने RCMC लिया, ना उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेते हैं कभी और ना ही कभी अपना फाइटो कराते हैं। सो सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, आईसी, जीएसटी, बैंक अकाउंट और कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी होनी चाहिए। ये 4 चीज़ों के साथ आप अपना एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बोलता है कि ये फलाना सर्टिफिकेट चाहिए, वो फलाना सर्टिफिकेट चाहिए, ये बवाल चाहिए, वो बवाल चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए होता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन आप अगर बोलेंगे कि मेरे को ड्रग एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए तो दुनिया भर के लाइसेंस चाहिए होते हैं। कोई भी अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ हैंडीक्राफ्ट को, तो हैंडीक्राफ्ट के लिए आपको हैंडीक्राफ्ट के कोई भी जनरल आइटम होता है उसके लिए आपको ऐसा बहुत बड़ा कोई तामझाम नहीं चाहिए होता है। देखिए प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात करूँ तो प्रोडक्ट सिलेक्शन मुझे लगता है कि सबका अपना अपना बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके ऊपर वेरी कर सकता है। मैंने देखा है कि जनरली जो ऑनलाइन ट्रेनर्स हैं वो लोग हमेशा आप लोगों को एग्री की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन लोगों ने भी एग्री किया होता है और सिर्फ एग्री की उनको नॉलेज होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि वर्ल्ड इतना बड़ा है, भूख तो सबको लगेगी, एग्री का प्रोडक्ट होगा, बिल्कुल होगा एग्री का। एग्री के अलावा यार दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे देश में, जेम्स एंड ज्वेलरी है, आपका हैंडीक्राफ्ट है, आपका केमिकल्स है, ये सारे सबसे तो टॉप एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, बट वो फिर भी आपको एग्री की तरफ से घुसाने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि एग्री में रिस्क ज़्यादा होता है, कमीशन बेसिस पे काम होता है, ख़राब होने का उसमें आपका वो है, एक टाइम लिमिट के अंदर आप लोगों को काम करना होता है। बट फिर भी मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर्स को एग्री की तरफ घुसाने की कोशिश करते हैं। सीधा का सीधा आप लोगों को यूएई वाले जो वो अल अबीर मार्केट है वहाँ ले जाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, लोगों से बात कराते हैं और सिर्फ वो करते हैं। देखिए वो अपना अपना प्रेफरेंस है। मैं कुछ आप लोगों को पैरामीटर्स बताना चाहूँगा कि जिसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए और जिसके अकॉर्डिंग मैं भी सिलेक्ट करता हूँ एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट। सबसे पहला होता है कि जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करने वाले हैं उसका ऑनलाइन जिस भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं उसमें मतलब डिमांड है कि नहीं है, उसकी एक्सपोर्ट के लिए वो डिमांड है कि नहीं है, और वो किस तरीके से पता करना है वीडियो में आगे बताऊँगा कि कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसका डिमांड हो। तो एक मुझे लगता है कि डिमांड है, डिमांड होना चाहिए उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिए। दूसरा है कि आपके आसपास उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि जब आप इनिशियली शिपमेंट भेजेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग क्या भेज रहे हैं, आप लोगों को क्वालिटी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप जाएंगे वहाँ, एक्सपोर्टर जो मैन्युफैक्चरर है, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो आप वहाँ जाएंगे, जाके चीज़ें चेक करेंगे कि किस तरीके से है, तो एक्सेसिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस मैन्युफैक्चरर तक पहुँच पाएँ और उसको ठीक से पहली शिपमेंट जो है अपने आंखों के सामने पैकिंग कराएँ या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे, आपके आसपास अवेलेबिलिटी हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तीसरा मैं कहूँगा कि लर्निंग कर्व, मतलब जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप शुरू में ही ड्रग एक्सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, आपने कभी भी एक्सपोर्ट नहीं किया है, आप पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट सेलेक्ट किया आपने कि भाई मेरे को तो ड्रग एक्सपोर्ट करना है क्योंकि इसमें 1000% का मार्जिन होता है। अब बिल्कुल होता है, ड्रग्स में 1000% का मार्जिन होता है, बट उसमें जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनकी ऑलरेडी ड्रग्स का बैकग्राउंड होता है और लोगों को पता है कि कितने तरह के लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, उसमें बहुत तरह के लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। तो उसमें जो एक्सपोर्ट करने का लर्निंग कर्व है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सीखना पड़ेगा, एक तो एक्सपोर्ट के बारे में और ऊपर से उस प्रोडक्ट के बारे में। तो लर्निंग कर्व एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुझे लगता है कि जब भी आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं। इसीलिए ये लोग क्या है ना, अपने सब्जियों की तरफ घुसा देते हैं लोगों को, चावल की तरफ घुसा देते हैं कि उसमें थोड़ा सा लर्निंग कर्व कम है। तो लर्निंग कर्व एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप लोगों को पता होना चाहिए जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इजीली इंडिया में भी कस्टम क्लियर हो जाए और जब देश में आप भेज रहे हैं वहाँ पर भी बहुत ईजिली कस्टम क्लियर हो जाए। आपको इन एंड आउट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप लोगों को पता है जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा पैसा तो लगाना पड़ेगा। बाकी जो ये ट्रेनर्स हैं ये लोग तो ऐसा कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं लगाना, 0 पैसे से आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। यार 0 रुपये से क्या होता है, मुझे तो 10-12-15 हज़ार रुपये तो लोग ऐसे ही खर्च करते हैं कोई भी बिजनेस करने से पहले। और जो ऑनलाइन ट्रेनर्स हैं तो कहते हैं कि भाई 0 रुपये से आपका शुरू हो जाएगा, आप किसी भी इंडिया मार्ट से उठाओ 10 एक्सपोर्टर्स को कॉल करो, वहाँ का डिटेल मंगाओ, आपका अपना वो बनाओ, ब्रोशर बनाओ। यार पैसा तो उसमें भी लगता है, इन्वेस्टमेंट, टाइम, सारी चीज़ें जाएंगी उसके अंदर। तो इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुझे लगता है कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में घुसने की कोशिश करें जिसको आप स्मॉल क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर पाए। आप सीधे ही चावल में घुसेंगे तो चावल में सीधा ही जो उसका ऑर्डर आता है 10 कंटेनर का, 15 कंटेनर का, 20 कंटेनर का, तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट भी एक फैक्टर है। और अगर आप लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि 0 इन्वेस्टमेंट के साथ एक्सपोर्ट कर दिया है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों के साथ बिल्कुल 1-to-1 इंटरव्यू करेंगे किसी दिन इसी चैनल पे, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि 0 इन्वेस्टमेंट के साथ किस तरीके से एक्सपोर्ट होता है। फिर है कंप्लाइंस मैंने बता ही दिया कि जब आप लर्निंग कर्व के अंदर ही कंप्लाइंस आ जाता है। कंप्लाइंस यानी गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप केमिकल एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आप लोगों को टेस्टिंग वगैरह करानी पड़ती है इस कंट्री की, उस कंट्री के जो कंप्लाइंस है उसको भी फॉलो करना पड़ता है। ड्रग करते हैं तो ड्रग लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, फॉर्म 42A, 43A, ये सारे जो फॉर्म्स हैं वो लेने पड़ते हैं, अलग अलग लाइसेंसेस होते हैं, फाइटोसैनिटरी होता है। तो कंप्लाइंस को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इनिशियली ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करें जिसमें कंप्लाइंस कम से कम हो। जनरल कोई भी आइटम जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कंप्लाइंस कम होता है। फॉर एग्जांपल मैं हैंडीक्राफ्ट को लेकर चल रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मेरे आसपास जो एक्सेसिबल है वो हैंडीक्राफ्ट है और हैंडीक्राफ्ट में किसी भी तरह का कोई कंप्लाइंस नहीं होता है। वो PNQ में जाता है, बट वो जनरल आप लोग अपने लेटर हेड पर डिक्लेरेशन बना के दे देंगे कि ये जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है ये इस पर्टिकुलर गुड से बना हुआ है, तो वो क्लियर हो जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और ओवरसीज़ वाले मार्केट में यानी US यूरोप वाले मार्केट में भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को क्लियर कराने में। तो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को चुने जिसका कंप्लाइंस आप फॉलो कर पाएँ तरीके से, इस कंट्री में भी और जो आप भेज रहे हैं इंपोर्टिंग कंट्री उसमें भी। अगला है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लोग कहते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन किस में है, तो देखिए प्रॉफिट मार्जिन आप क्या है ना, कमोडिटी में अगर आप घुसेंगे सब्जी में, चावल में, दाल में, तो इनमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्वांटिटी ज़्यादा है इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम है। ट्रक में जाएंगे तो उसमें क्वांटिटी कम होती है, बट प्रॉफिट मार्जिन 1000%, 1200% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। हैंडीक्राफ्ट में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो इस तरीके से अपने प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से प्रोडक्ट चुने, बट प्रॉफिट मार्जिन एकदम लास्ट में आना चाहिए। आप लोगों को ये जो पहले वाले फैक्टर्स हैं सारे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉफिट बाद में हो जाएगा, पहली शिपमेंट बनाओ, दूसरी शिपमेंट बनाओ, तीसरी शिपमेंट में हो जाएगा, जब आप लोगों को ओवरऑल प्रोसेस पता लग जाएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको थोड़ा लास्ट में कंसिडर करिएगा। अब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, बट आप लोगों को बेचना कहाँ पर है उसको वो भी पता करना ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ पर। तो उसके लिए देखिए आप लोग कई तरह के रास्ते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आप गूगल में जाइए अपने प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर और कि ये पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट है ये कौन सी कंट्री में ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो गूगल आपको सीधा पहले पेज पर डेटा निकाल के दे देता है। एक तो रास्ता होगा गूगल, जब आपको कुछ नहीं पता तो गूगल का हेल्प ले लो, ये तो हर कोई करता है। उसके बाद है कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जा सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पूरा का पूरा वहाँ पे एक सेक्शन बनाया हुआ है कि कौन से कंट्री में कितना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया से कितना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सी कंट्री इंडिया से ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है, लार्ज क्वान्टिटी में कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लास्ट ईयर में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंडिया में एक्सपोर्ट हुआ है, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट हुआ है। HS कोड के हिसाब से आप बाइफिकेट कर सकते हैं। सारी की सारी जो है चीज़ें मैं आप लोगों को अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। कॉमर्स इंडस्ट्री का जो है साइट खोल लिया है, ये जो डायरेक्ट लिंक है इस वाले पेज का मैं आपको नीचे दे दूंगा, जहाँ से कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कंट्री ज़्यादा इम्पोर्ट कर रही है। तो अपने केस में जो है वो 4421 हम डालते हैं, क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट वुडन हैंडीक्राफ्ट का चैप्टर है। तो देखिए ये आपको कंट्री वाइज यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सी कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है। तो ये करंट ईयर का है 2021-22 मिलियंस में वैल्यूज़ है। तो सबसे ज़्यादा मुझे पता है कि USA करता है, तो ये देखिए सबसे ज़्यादा इसने USA ने $183 मिलियन का इन्होंने हैंडीक्राफ्ट इम्पोर्ट किया है साल 21-22 में। 57% की ग्रोथ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी इंपोर्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया 6.72। और ये मैंने देखिए यहाँ पे चार्ट एक पर्टिकुलर HS कोड डाला है, सब कैटेगरी के साथ डाला है। वुडन की कैटेगरी में सिर्फ 44 डालेंगे तो यहाँ पे जो ये नंबर्स हैं सारे बढ़ जाएंगे। तो मैंने सिर्फ हैंडीक्राफ्ट डाला है, हैंडीक्राफ्ट के अलावा और भी वुडन की कई सारी चीज़ें होती हैं। तो कम्प्लीट चैप्टर जो है 44 के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आती है यहाँ पे, बट मैंने इसको काफ़ी निश कर दिया क्योंकि मुझे सिर्फ हैंडीक्राफ्ट का देखना था, तो मैंने हैंडीक्राफ्ट का आप लोगों को दिखाया है। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है, ताकि आप लोग जो है अपनी टारगेटिंग अच्छे से कर पाए। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो एक फेमस आर्टिकल जो एक फेमस प्रोडक्ट है राइस, उसका भी दिखा देता हूँ। ये राइस का खोल लिया है और राइस में देखिए ये वैल्यूज़ यहाँ पे है, ग्रोथ यहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा मुझे पता है कि 21-22 में मेरे ख्याल ईरान ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किया था। जी हाँ, देखिए $855 मिलियन का इन्होंने, हाँ $855 मिलियन का इन्होंने इंपोर्ट किया था इंडिया से चावल। इसके अलावा नेपाल है, इराक है, देखिए सारी ये वैल्यूज़ काफ़ी हाई है क्योंकि राइस में नंबर 1 एक्सपोर्टर पूरी दुनिया का इंडिया है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं कि कौन सी कंट्री कितना एक्सपोर्ट करती है। बस आपको अपना प्रोडक्ट का HS कोड जानना है। HS कोड के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी है कि HS कोड किस तरीके से पता करते हैं, क्या होता है। गूगल से भी आप अपना HS कोड बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। आपका जो भी प्रोडक्ट है वो नाम डालेंगे, स्पेस HS कोड डालेंगे, वो अपना आपका गूगल जो है इस तरीके से आपको दिखा देगा राइस HS कोड यानी HS कोड ऑफ राइस। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट का डेटा निकाल सकते हैं कि कौन सी कंट्री आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है, ताकि जो है आप उस कंट्री के बायर्स को अप्रोच कर सके, उस कंट्री के बायर्स को कॉन्टैक्ट कर सके अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो अब आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपने ये पता लगा लिया कि इस प्रोडक्ट कौन से मार्केट में डिमांड है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे यूनिवर्सल सवाल आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कि बायर कैसे मिलेगा। जी हाँ, बायर ये वाला क्वेश्चन जो है ये हर किसी के दिमाग में आता है कभी ना कभी। कोई कहता है कि कोल्ड डाटा खरीद लो, कोई कहता है ये डाटा ले लो, कोई कहता है ये कर लो। तो देखने की कोशिश करते हैं, चलो थोड़ा सा बताता हूँ मैं कि कौन कौन से रास्ते हैं जिससे कि आप लोगों को जो है एक्सपोर्ट अपने प्रोडक्ट के लिए इंटरनेशनल बायर मिलेंगे। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, गूगल सबसे आसान तरीका है। गूगल में जाइए अपने, जैसे कि हु इज़ द इम्पोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन कैनेडा, वो लिस्ट निकाल के दे देगा। हु आर द इम्पोर्टर्स ऑफ handicraft in USA, California. Who are the importers of handicraft in Canada, Toronto. तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर थोड़ा सा उसको नीच डाउन करके गूगल में सर्च करेंगे तो वो भी काफ़ी सारी लिस्टें निकाल के दे देगा। वहाँ से आपको करना क्या है, वहाँ से ईमेल आईडी लेना है और आप लोगों को ईमेल शूट करना है, अपना कोल्ड ईमेल शूट करना है। तो इस तरीके से आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद जिस भी कंट्री को आपने सेलेक्ट किया है एक्सपोर्ट करने के लिए, उस कंट्री में इंडियन एम्बेसी होगा। इंडियन एम्बेसी का देखिए किसी भी कंट्री में मेन जो काम होता है वो यही होता है कि हमारे देश के ट्रेड को प्रमोट करें, हमारे देश से जाने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं उनको ईजी एक्सेस मिले उस कंट्री का, हमारे देश से जो इमिग्रेंट्स हैं उनको वीज़ा सर्विसेज ईजीली मिल जाए और हमारे देश से लोग वहाँ जो जा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना है इस तरीके से। तो ये एम्बेसी का मेन काम होता है। और एम्बेसी में बहुत एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है कॉमर्स ट्रेड बिजनेस का, जहाँ पे लोगों का काम ही होता है कि हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको उस पर्टिकुलर मार्केट का एक्सेस मिल सके और जो उस पर्टिकुलर मार्केट में जो इम्पोर्टर्स हैं या जो भी यू नो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे लोकल एक्सपोर्टर्स तक पहुंच सके। तो उस पर्टिकुलर एम्बेसी के जो ट्रेड कॉमर्स डिपार्टमेंट है या बिजनेस डिपार्टमेंट है या ट्रेड डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप जाएंगे। उनकी वेबसाइट हर एक एम्बेसी की, हर एक कंट्री की, मतलब इंडियन एम्बेसी की उस कंट्री की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। गूगल पे सर्च करेंगे जैसे कि इंडियन एम्बेसी इन कनाडा, तो वहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा टॉप में जो आपका वेबसाइट आएगा, वहाँ पे जाइए ट्रेड डिपार्टमेंट या कॉमर्स डिपार्टमेंट या बिजनेस डिपार्टमेंट में जाइए। और वहाँ पे कई बार वो लोग तो रेडिली अवेलेबल करके रखते हैं कि ये जो इम्पोर्टर्स हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जो हमारे देश के एक्सपोर्टर हैं वो आते हैं एम्बेसी की वेबसाइट पर और ढूंढते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टर हैं। तो वहाँ से आप लोगों को एक तो रेडिली भी मिल सकता है, कई बार जो है वहाँ पे ईमेल आईडीज़ दिए होते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं। और ईमेल का जो फॉर्मेट है, किस तरीके से ईमेल करना है एम्बेसीज़ को, वो भी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो वहाँ से आप पूरा का पूरा ईमेल फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और एज इट इज़ अपना थोड़ा बहुत एडिट करके आप ईमेल शूट कर सकते हैं एम्बेसीज़ को। तो एम्बेसीज़ से भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा जेन्युइन डाटा मिलने वाला है उस पर्टिकुलर कंट्री में इम्पोर्टर्स का, आपके प्रोडक्ट का। अगला है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका कोई जानने वाला है वहाँ पे। तो क्योंकि आप इस देश में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं और कनाडा में कोई आपका बंदा है जानने वाला, तो वहाँ उस बंदे को जो है वहाँ के लोकल रिसोर्सेज का एक्सेस है जो कि आपको नहीं मिल सकता यहाँ इंडिया में बैठे बैठे। तो उन लोगों को कई तरह की यू नो डायरेक्टरीज का, कई तरह की ट्रेड जो वेबसाइट्स हैं वहाँ का एक्सेस है, वहाँ पे वो लोग जा सकते हैं इजीली और वहाँ से डेटा जो है वो निकाल के आपको दे सकते हैं आप लोगों को। और कहीं ना कहीं वो जो वहाँ के लोकल सेलर्स हैं उनको भी डायरेक्ट वहाँ पे वो लोकल कॉल करके बात कर सकते हैं और डील क्रैक कर सकते हैं आपके बिहाफ पे। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। अगर कोई जानने वाला है तो आप इसके थ्रू भी अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक पेमेंट प्रोडक्शन भी मिल जाएगी कि आप यहाँ से अपने दोस्त को भेजेंगे, दोस्त ले जाके वहाँ पे आपके जो बायर हैं उसको वो प्रोडक्ट दिखा सकता है सैम्पल। अगला है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इंडिया पे इस टाइम पे एक्सपोर्ट अराउंड 14 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं और बहुत सारे ट्रेड बॉडीज़ हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में नहीं, ट्रेड बॉडीज़ में भी आ सकता है। प्रोडक्ट जो है उस पर्टिकुलर आपका जो प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या ट्रेड बॉडी में जाके भी आप जो है डेटा ले सकते हैं, वहाँ से उनको मेल करके या वहाँ डायरेक्ट जाके भी आप उनसे बात कर सकते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मेरी ये वेबसाइट है। इन लोगों को अप्रोच करने से पहले आप लोगों के पास एक प्रॉपर वेबसाइट, एक प्रॉपर कैटलॉग होना चाहिए प्रोडक्ट का और आप लोगों का एक प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए। इन एजेंसीज़ को अप्रोच करने से पहले ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और ट्रेड बॉडीज से भी आप लोगों को जो है इम्पोर्टर्स का डेटा मिल सकता है। और फिफ्थ और सबसे अगर आपके पास बजट है या आप लोगों के पास एक्सेस है इन चीज़ों का, तो आप जो है एग्जीबिशंस में भी पार्ट ले सकते हैं। ट्रेड एग्जीबिशंस होते हैं, कई तरह के ट्रेड फेयर्स होते हैं, वहाँ पे जाके भी आप पार्ट लग सकते हैं। यहाँ पे जो है एक्चुअल बायर्स आते हैं, इंडिया एंड ओवरसीज दोनों जगह पे ये ट्रेड एग्जीबिशंस होते हैं और दोनों जगह पे ही आप जो है अपने एग्जीबिशंस लगा सकते हैं। और इन एग्जीबिशंस के अराउंड भी गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज़ चल रही होती है, टाइम टू टाइम पॉलिसीज़ अपडेट भी होती हैं, जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है टू सेटअप अ ट्रेड एग्जीबिशन इन इंडिया एंड ओवरसीज। कई सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट खुद कवर कर लेती है, फॉर एग्जांपल टिकट फेयर, रहने खाने का खर्चा, ये तक गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स के अंदर जो है एक्सपोर्टर्स के लिए बेयर कर लेती है। तो ट्रेड एग्जीबिशन एक बहुत ही तगड़ा तरीका है टू गेट इन टच विथ रियल एक्सपोर्टर्स एंड रियल इंटरनेशनल बायर्स। तो ट्रेड एग्जीबिशन भी एक तरीका है और इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो ट्रेड एग्जीबिशन के लिए जो वेबसाइट है, कौन सा एग्जीबिशन कहाँ पे हो रहा है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से उन लिंक्स को सेव करके रख सकते हैं, आपको अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को कंडक्ट करने में बहुत ईजी होगा। तो ये कुछ तरीके थे मेरे को लगता है कि जो है जिसके थ्रू आपको इंटरनेशनल बायर्स मिल सकते हैं अपने प्रोडक्ट के। देखिए इन बायर्स को क्रैक करने का, क्योंकि इंडिया में इतने सारे एक्सपोर्टर्स हैं तो ऑब्वियसली इनके पास काफ़ी सारे मेल्स जाते होंगे, तो इन बायर्स को क्रैक करने का जो तरीका है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या है। एक तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी रखनी है इन लोगों के साथ बात करने में, या तो आप व्हाट्सएप पे बात करिए अगर आपके पास व्हाट्सएप का नंबर है, कंसिस्टेंटली अपने कंपनी की अपडेट्स इनको भेजते रहिए वाया मेल, वाया व्हाट्सएप या वाया टेलीग्राम, जिस भी माध्यम से आप जुड़ रहे हैं बायर्स के साथ। और साथ ही साथ अपनी कंपनी का जो है सोशल प्रेजेंस हमेशा बनाने की कोशिश करिए, वो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो। इससे तो दो चीज़ें देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ट्रस्ट और एक क्वालिटी। ट्रस्ट और जानना कि सामने वाला बंदा एक्चुअल में एक्सपोर्टर है कि नहीं है, तो वो जो है ट्रस्ट और अपनी कंपनी का जो आप प्रमोशन करेंगे वो भी आपका जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होता रहेगा। आप एक्टिव रहेंगे तो जब भी कोई बायर आपकी वेबसाइट पे आता है, जब आप उसको कोल्ड मेल भेजेंगे तो वो सबसे पहले आपकी वेबसाइट पे जाएगा, देखेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट आपने लिस्ट किए हुए हैं। उसके बाद वो आपके सोशल हैंडल्स में जाएगा, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। अगर वहाँ पे भी आपका प्रेजेंस है और वो देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से आप यहाँ पे एक्टिव है, पिछले एक डेढ़ साल से, तो उनको कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि भाई ये बंदा जेन्युइन है और ये बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आपका जो सोशल प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके बायर के सबकॉन्शियस माइंड में, और आपका जो है एक लास्टिंग इफेक्ट रहता है आपके बायर के माइंड में। तो सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, 21वीं सेंचुरी में। अगर आपको अपना बिजनेस कंडक्ट करना है तो आजकल हर एक बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस से बड़ा से बड़ा बिजनेस जो है सोशल मीडिया पे है इस टाइम पे। ये एज ही सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में फाइनल में ये बताना चाहूँगा, B2B वेबसाइट में भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपना इंडिया में हो गया इंडिया मार्ट, एक्सपोर्टर्स इंडिया, अलीबाबा, इन वेबसाइट्स में भी आप अपना अपने अकॉर्डिंग, अपने खर्चे के अकॉर्डिंग अपना वो बना सकते हैं, प्रोफाइल बना के रख सकते हैं। वहाँ से भी काफ़ी अच्छा आपको इनबाउंड लीड मिल सकता है, बट वहाँ से जो लीड मिलता है उसको एक बार आप क्रॉस चेक जरूर करिए, क्योंकि वहाँ से जो लीड्स मिलते हैं वो कई बार फेक भी होते हैं, कई बार ऐसे नॉइस भी आता है वहाँ से बहुत ज़्यादा, यानी कचरा लीड भी आता है। तो उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करिए B2B पोर्टल से जो लीड्स आ रहे हैं उनको। उसके अलावा देखिए कई सारे ट्रेनर्स हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग में, ये भी कहते हैं कि आप जो है पोर्ट डाटा ले सकते हैं, बट पोर्ट डाटा जो है आज की डेट में इलीगल है। नोटिफिकेशन आ गया था कि जो है पोर्ट डाटा में आप लोग डील नहीं कर सकते, और जो भी डील करेगा उसको कुछ जेल भी है और कुछ फाइन भी है। और फिर भी आप लोग ये बोलेंगे, ये जो ट्रेनर बोलते हैं कि आप जो है ये पोर्ट डाटा अभी पता है मुझे ऑनलाइन बिकता है, बट ये पोर्ट डाटा जो है जो ऑनलाइन बिक रहा है ना, ये इंडिया का पोर्ट डेटा नहीं है, ये ओवरसीज का पोर्ट डेटा है जिसको वो इंडिया में बेचते हैं, जो कि एक लूप होल्ड है कि हाँ भैया आप अभी भी बेच सकते हैं इंडिया में पोर्ट डेटा। और ये ट्रेनर कहते हैं कि आप इन जो डेटा प्रोवाइडर्स हैं इनके पास जाइए और सैम्पल डेटा ले लीजिए, और सैम्पल डेटा से आपका काम हो जाएगा। देखिए ये चीज़ मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। जनरली ये जो सैम्पल डेटा होता है ना, इसमें मेल आई डी और फ़ोन नंबर सारा गलत होता है, इसमें सारे के सारे मेल्स बाउंस हो जाते हैं। मैंने ऑलरेडी ये जो सैम्पल डेटा है डेटा प्रोवाइडर से लेके मेल कर चुका हूँ, मोस्टली 95% मेल्स जो है वो बाउंस हो जाते हैं, और जो भी जाते हैं वो कुछ दिनों बाद उनका या तो कुछ स्पैम में चला जाता है या कुछ चला जाता है। तो जो फ्री में ये लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादा काम का नहीं होता, तो ये डेटा वाला जो पार्ट है इसको आप लास्ट में रखिएगा। उससे पहले जो थोड़े से ऑथेंटिक और जेन्युइन वाले चीज़ें हैं ना, जो सीधा रास्ता है, उसको लेके आप अपना इंटरनेशनल बायर ढूंढने की कोशिश करें। तो आई गेस कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, 1000 रुपये वाले जो आपका कोर्स होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उससे ज़्यादा मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, मार्केट सिलेक्शन कैसे करना है, बायर कैसे मिलेगा। अब इसके अलावा थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें आती हैं, और इसके अंदर जो सारे पॉइंट्स हैं इसमें भी एक एक वीडियो बन सकता है, तो उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं। ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि एडी कोड कैसे रजिस्टर करना है, आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा। आईसी कोड कैसे अप्लाई करना है वो भी आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कई सारी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी बना रखी है, तो आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आगे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ और डालता रहूँगा। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली, मोटी मोटी जो चीज़ें होती है। बाकी इसके अलावा अगर हम डीप में जाएंगे तो वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी, तो कोशिश करेंगे जो हमने पॉइंट्स कवर किए हैं कि किस तरीके से बायर को अप्रोच करना है, उसमें जो बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं उसके ऊपर एक एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाई जाए कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो वीडियो यहीं तक था, वीडियो पर तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कस्टम क्लियरेंस रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।